ये जॉब है फ्रेशर के लिए, कोई भी ग्रेजुएट हो, बीकॉम से हो, बीकॉम किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, वो जॉब कर सकता है। और जॉब घर से करनी है अपने, कहीं जाना भी नहीं है। सैलरी की बात करें, $30,000 इंडियन अगर देखें तो ऑलमोस्ट 22 लाख रुपए, सोच सकते हैं 22 लाख मंथली, ऑलमोस्ट 1,80,000। फ्रेशर को घर से जॉब करनी है, फ्रेशर को घर से जॉब करनी है, सैलरी 22 लाख। इतने कंपटीशन जॉब की है, किसी को जॉब नहीं मिल रही है। अब फ्रेशर के लिए घर से जॉब करना है 22 लाख सैलरी। भाई मुझे दिला दे, मैं अपनी जॉब छोड़ के वही जॉब कर लूँगा। मुझे 22 लाख मत दिलाओ, 2 ही लाख दिला देना, 1 साल में 2 ही लाख दिला देना, फिर मैं जॉब कर लूँगा। बीकॉम भी किया हूँ, एक्सपीरियंस भी है, MBA भी किया हूँ, भाई जॉब दिला दे अगर है तो ऐसी जॉब ना लाओ जिसका जवाब ना दे सको। अगर इस बात का जवाब भी होना आपको तो वीडियो बना के मुझे जवाब देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपका। अपने रिसोर्स का अच्छा यूटिलाइज़ करो, लोगों की हेल्प करो। आपका चैनल बहुत बड़ा, मेरा चैनल कुछ भी नहीं है, बट मुझे ये बात कहनी थी। मैं भी इसी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ और बनाऊँगा, तो जो भी मुझे गलत लगेगा मैं अपने मेरा भी चैनल, उस चैनल के थ्रू मैं ज़रूर बात पहुँचाऊँगा आप तक। अगर आपको कुछ भी गलत लगे या ऑडियंस को गलत लगे तो मेरी वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, मैं वीडियो को डिलीट कर दूँगा। अगर कहीं भी मेरी बात सही लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं उन लोगों के लिए काम करूँगा जिनको जॉब नहीं मिल रही है। हर एक तरह की वीडियो बनाऊँगा कि किस तरह से जॉब अप्लाई करें, क्या टिप्स एंड ट्रिक होती है ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने के लिए, क्या ज़रूरी होता है, हम आगे देखेंगे। तो इस चैनल को अपने वीडियो में लाना, इस वीडियो को दिखाना, सिर्फ इतना ही मेरा मोटिव है कि लोग मिसगाइड ना हो, जो जेन्युइन जॉब हो, जो रियल जॉब हो उसको अप्लाई करें, और जिसको अप्लाई करने के बाद हमें HR का कॉन्टैक्ट भी मिले, ईमेल आईडी भी मिले। मैं भी अपने चैनल पर जॉब ले जाऊँगा वेरी सून, बट जॉब 100% रियल होनी चाहिए, HR का कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम मॉनिटर भी कर सकें कि हमने जॉब अप्लाई की थी तो हमारा अप्लीकेशन कहाँ है, कोई देखा कि नहीं, CV कोई देखा कि नहीं, अगर शॉर्ट लिस्ट हुए तो फ़ोन आ रहा है कि नहीं, अगर रिजेक्ट हुए तो किस रीज़न से रिजेक्ट हुए, सब चीज़ वहाँ पे दिखेगी आपको। जब भी लेके आऊँगा 100% ट्रस्टेबल जॉब लेके आऊँगा। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले क्लियर